ये पंचकुला से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं राहगीरी कार्यक्रम की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद। तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले साइकिल चलाई और अब उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और साइकिल चलाई उन्होंने और फिर उद्घाटन करते हुए नजर आए। ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं राहगीरी कार्यक्रम। हमेशा से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार युवाओं को प्रेरित करते हुए, पंचकुला में ये राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी यहां पर पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जी जुड़ गए हैं। पवन जी, राहगीरी कार्यक्रम का यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण और काफी खास। बिल्कुल, देखिए आज पंचकुला में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। आप जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जो है वो पहले साइकिल पर सवार होकर जो है वो इस राहगीरी कार्यक्रम का जो स्वागत द्वार है वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जो एग्जीबिशन लगी हुई है वहां उन एग्जीबिशन को देखते हुए आगे जो है वो कार्यक्रम के लिए बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज पंचकुला में राहगीरी का जो है वो आयोजित किया गया है। इससे पहले करीब एक साल पहले भी यहां पर राहगीरी का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। आज राहगीरी के कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को तस्वीरों में, उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के जो विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता वो मौजूद जी। जो पूर्व विधायक है लतिका शर्मा वो भी उनके साथ मौजूद है। और तस्वीरों में जो एग्जीबिशन लगी हुई है, जो प्रोडक्ट लोग तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट की जो यहाँ पर स्टॉल लगी है, उस स्टॉल पर मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हैं। और ऐसे में आजो वो दिख रहे हैं, तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है उनको आज पंचकुला में राहगीरी के रूप में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हैं। और जो सुनिए आप यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लगातार तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। जी इधर जी पवन जी, देखा जा सकता है तस्वीरों में साफ है कि किस तरह से पंचकुला में बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। अभी आपने तस्वीरें देखी और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचकुला से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर राहगीरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद, जहां पर स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं और उससे पहले साइकिल चलाई, उद्घाटन किया स्टॉल्स का और साथ ही अब स्टॉल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आप देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट है जो हरियाणा के जो अलग अलग ग्रुप की तरफ से तैयार किए जाते हैं उन देख रहे हैं, स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। एक तरीके से जो स्वदेशी की तरफ जो तमाम जो चीजें हैं उनकी स्टॉल यहां पर लगी हुई है और इसी का अवलोकन मुख्यमंत्री कर रही है। मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार होकर यहां तक मुख्य गेट तक पहुंचे, उसके बाद पैदल
चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो चीजें यहाँ पर रखी गई है स्टॉल पर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जी जी पवन जी, लगातार हरियाणा में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन होता आया है और इस बार भी लगातार निरंतरता से इसे पूरा किया जा रहा है। राहगीरी कार्यक्रम जब भी होता है वहाँ मुख्यमंत्री हमेशा पहुँचते हैं और युवाओं को यही संदेश कि आखिर किस तरह से तरोताजा रहा जा सके और साथ ही नशे से दूर रहा जा सके। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार पंचकुला में जो कार्यक्रम है उसका एक तरह से थीम जो है वो हेल्थ रखा गया है, फिटनेस को रखा गया है जी। और युवाओं की जो हेल्थ है वो फिट रहे या फिर शहर जो है वो एक तरह से फिट रहे, जिसमें तमाम जो मापदंड है एक शरीर की फिटनेस के उसी तरीके से एक शहर की फिटनेस के भी मापदंड है उनको वो रखा जाए, इसी के चलते युवाओं में जोश उत्साह जो है वो भरने के लिए कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री बात तस्वीरों में जो है वो लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो स्टॉल लगे हुए हैं ये वीटा का जो है इसमें मुख्यमंत्री जो है वो आप देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जो है वो लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जो आप वो अब दिख रहे हैं और मुख्य जो मंच बना है कार्यक्रम का वहां तो कूच कर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है, आगे बढ़ रहे हैं जी। सीएम साहब काफी फिट नजर आ रहे हैं, जरा जोश अभी बताएंगे ना इस देर में आपको इकट्ठी बात करेंगे सबका। हेलो हेलो कि सभी के साथ जो है वो सामूहिक बातचीत जो है वो करेंगे और तमाम जो जानकारी है वो साझा जो है और ये पंचकुला से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे, सबसे पहले साइकिल चलाई, स्टॉल का अवलोकन किया और उसके बाद स्टॉल का निरीक्षण किया और अब से थोड़ी ही देर में सभी को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और राहगीरी कार्यक्रम का क्या कुछ महत्व, जैसे कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन जी ने आपको बताया कि इस बार की जो थीम है राहगीरी कार्यक्रम की वो फिटनेस की रखी गई है, साथ ही युवाएं किस तरह से अपनी फिटनेस पर ध्यान दे ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हमेशा से लक्ष्य रहता है। पंचकुला में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन पिछले साल भी काफी बड़ी धूमधाम से मनाया गया था और इस बार भी काफी धूमधाम से मनाया गया, देखा जा सकता था कि किस तरह से तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहले तक स्वागत किया गया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ, अवलोकन किया गया और उसके बाद साइकिल चलाते हुए नजर आए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और सीधे लिए चलते हैं आपको पंचकुला जहां पर राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीएम नायब सिंह सैनी उसमें पहुंच चुके हैं और साथ ही कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला में राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद है, जहां पर पहले तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइकिल चलाई, लोगों को यह संदेश दिया कि आखिर साइकिल चलाना कितना बेहद खास हो जाता है इस मौके पर, जब हमारी इतनी जो बिजी लाइफ है उसमें से एक पल ढूंढ के साइकिल चलाना ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा उद्देश्य लोगों के लिए और साथ ही युवाओं के लिए
जो कि आजकल काफी ज्यादा देखा जाता है कि मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं, उनके लिए ये काफी एक बड़ा संदेश कि किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से फिटनेस में आगे रहना है, क्योंकि आजकल के युवाओं के लिए काफी ज्यादा बेहद खास हो जाता है। पंचकुला से राहगीरी कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद है। इस बार का थीम राहगीरी कार्यक्रम का फिटनेस का रहा है। और यहाँ आज के हमारे इस राहगीरी कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच में उपस्थिति है हरियाणा के विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेयर कुलभूषण गोयल जी, लता शर्मा जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए
हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और वैसे भी इस बार राहगिरी की जो विशेष बात है कि इस बार राहगिरी एंटरटेनमेंट के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश हम सभी के लिए लेके आई है। और राहगिरी का जो थीम है एक पेड़ माँ के नाम। जी हाँ, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, हम सभी को भी आज एक एक पेड़ जरूर लगाना है। और सिर्फ लगाना ही नहीं है, हमें उसकी देखभाल भी करनी है। और यही सोच, यही परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, जिसे धरातल पर उतारते हुए आज का यह राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपना शुभ संदेश इस अवसर पर हमें दें। भारत माता के अरे माइक नीचे करो। बहुत ही सम्मान के पंचकुला के हमारे लोकप्रिय विधायक, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे कालकर से पूर्व विधायिका लतिका शर्मा जी, और हमारे यहाँ से लोकसभा का जिन्होंने चुनाव लड़ा बंतो कटारिया जी, हमारे युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र जी योगी, और हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक जी, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, खेल विभाग के हमारे अधिकारी पंकज नैन जी, जिनकी देखरेख में ये राहगिरी का कार्यक्रम चलता है, सभी पंचायत विभाग के हमारे अधिकारीगण, और सभी स्कूलों से आए हुए सभी प्यारे बच्चों, पंचकुला से आए हुए गणमान्य हमारे व्यक्तित्वगण, आप सबका इस राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है राहगिरी के, ये एक आपस में मिलने का, प्रेम का, और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, एक अच्छा ये राहगिरी का इंसेंटिव है। और मुझे यह भी खुशी है इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब हम सुबह सुबह एकत्र होकर के जब हम देखते हैं कि कोई योगा कर रहा है, कोई खेल में अपनी यहाँ पर प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहा है, हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, वो भी स्टॉल लगा करके हमें, हम सब के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनती है। आज की जो ये थीम है एक पेड़ माँ के नाम, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। उनकी एक सोच थी कि आज वातावरण इतना दूषित हो रहा है, वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, और सेवज के अंदर हम पेड़ ज्यादा लगाएं, और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। और उसके तहत मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों जब 75वां वन महोत्सव हरियाणा के अंदर मनाया, एक निर्णय हमने ये लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे, जिससे वातावरण भी वो ठीक रहे और हम सब भी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेंगे तो विकास की एक गति तेजी से आगे बढ़ेगी, और उसको लेकर के हमने ये निर्णय किया है। मैं सभी बच्चों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपका जन्मदिन हो, आपके माता पिता का जन्मदिन हो,
आपके परिवार में कोई अच्छा कार्य हो या कोई महापुरुष की कोई दिवस हो, ऐसे दिवसों के ऊपर भी हमें संकल्प लेकर के एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी परवरिश हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमने वन मित्रों को भी लगाया है। जो भी वन मित्र हमारे यहाँ पर पौधा लगाएगा उसको सरकार की तरफ से 20 रुपए का इंसेंटिव देने का काम यह हमारी सरकार करती है। या हमारी कोई एनजीओ, धार्मिक संस्था या हमारे बच्चे कहीं पार्क में या कहीं सड़क के किनारे या कहीं हमारा जो ऑक्सीवन या कोई जंगल के अंदर कोई पौधा लगाता है और उसकी परवरिश के लिए हमारे वन मित्र आगे आते हैं तो उनको भी हम 10 रुपए के हिसाब से इंसेंटिव देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मैं आप सबको जो ये कार्यक्रम है मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उन बच्चों को भी जिन्होंने गेम्स के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम किया है, जब मैं देखता हूँ कि हमारे हरियाणा के बच्चे जो ओलंपिक के अंदर खेलों में गए, हमारी मनु भाकर बिटिया ने भारत का नाम दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, हमारी हरियाणा की ही बेटी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे सरबजोत जी जो हमारे इसी क्षेत्र के युवा साथी हैं उन्होंने भी ओलंपिक के अंदर जो 10 मीटर की पिस्टल निशानेबाज की वो गेम थी उसके अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता है, देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। मैं उन सबको भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो ये थीम है एक पेड़ माँ के नाम, हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने चाहे घर के आंगन में या घर के आंगन के बाहर या कहीं पार्क में हम एक पेड़ अवश्य अपनी माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे, चाहे वो छायादार पेड़ है चाहे फलदार पेड़ है, उसकी रक्षा सुरक्षा भी हम संकल्प लेकर के करेंगे। पेड़ की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ वन विभाग के अधिकारी वो एक एक पौधा आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आज आप सब इतनी भारी संख्या में इस जो राहगिरी का कार्यक्रम है इसमें पधारे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे।